मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयनित 219 प्रधान आचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधान आचार्य शिक्षण संस्थान की रीढ़ होते हैं। अगर प्रधान आचार्य अनुशासित रहकर कॉलेज में नई गतिविधियों और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तो उसके सार्थक परिणाम सामने आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रधान आचार्यों को विद्यालयों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाकर अभिभावकों से संवाद करना चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और दुनिया, युवा कल्याण और महिला कल्याण से जुड़ी सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारियां देनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ साथ जागरूकता भी आती है और प्रधान आचार्य का कार्यकाल भी यादगार बन जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना एक सामान्य नहीं, एक असामान्य कार्य है। दो चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक, राजकीय इंटर कॉलेज एक समय में प्रदेश की शिक्षा की और खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी। समय बदला, समय के अनुसार चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से न होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरा और शिक्षा में जो एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई थी, उस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेजेज एक प्रकार से पिछड़ से गए। परिणाम रहा कि लगातार छात्र संख्या इनसे कम होती गई और फिर लोगों का विश्वास इसके कारण कम होता गया। एक ओर उस विश्वास को बहाल करना और दूसरा उत्तर प्रदेश फिर से शिक्षा का एक हब बन सके।